क्विक वीपीएन कनेक्शन फेल्ड। आप सभी लाइव प्रूफ के साथ देख लो दोस्तों, प्रॉम्प्ट जो है मेरे डिवाइस में सक्सेसफुली फिक्स आउट कर ली है। यहाँ पे कोई भी मैं सर्वर सेलेक्ट करूँगा एंड कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा जो सर्वर है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, यदि आप भी क्विक वीपीएन को यूज़ करते हैं अक्सर एंड ये जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है एंड ये जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्रिएट करा जिसका नाम है कनेक्शन फेल्ड। अब ये दोस्तों प्रॉब्लम जो है सभी सर्वर में आ रही है, जैसे कि तुम यहाँ पे कोई भी सर्वर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल यूएस, मुंबई, साउथ कोरिया या फिर सिंगापुर, तो सभी में तुम्हें जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कनेक्शन फेल्ड। तो मैंने कैसे जो इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट किया वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो यार ज़्यादा देरी ना करते, जल्दी से तुम्हें बता देते हैं, यदि तुम्हें भी यूज़ करना होता है एंड आपको पता है कि भाई ये जो है क्विक वीपीएन लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, रीज़न है कि भाई ये एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट वर्क करती है। प्लस जैसे कि तुम गेमिंग करते हो या फिर किसी वेबसाइट पर विजिट करना होता है तो तुम क्विक वीपीएन की तरफ जाते हो क्योंकि ये काफ़ी सेफ़ है, ठीक है। तो चलो यार जल्दी से बताते हैं, यदि तुम भी परेशान हो रहे हो भाई क्विक वीपीएन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो अगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन लोगों को भाई क्विक वीपीएन में दिक्कत आ रही है, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्शन फेल बता रहा है बार बार, तो उनको शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यदि तुम्हें मेरी ये वीडियो सर्च करके मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो ताकि मैं ऐसी एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो अपलोड करता हूँ तुम्हारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन डेफिनेटली रिसीव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इस तरीके से जो है इस एप्लीकेशन को क्लियर कैच एंड डेटा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न है वो तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों तुम्हें जो देखने को मिल जाती है डाटा यूसेज डिटेल, ठीक है, इस पर टैप ऑन करो। एक बार दोस्तों आप चेक करो इसकी जो बैकग्राउंड डेटा आपने टर्न ऑन करके रखी है फिर नहीं, ऑन है तो इसको एक बार जस्ट दो बार जिसको टर्न ऑन एंड ऑफ करना है, ठीक है। बैक करो, बैक करने के बाद तुम्हें क्या करना है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है फोर स्टॉप, इसकी एक बार फोर स्टॉप कर दो। अब बैक करो, अब तुम्हें क्या करना है जस्ट यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर पे। अब जैसे तुम यहाँ प्ले स्टोर पे जाते हो, प्ले स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों तुम्हें यहाँ पे लिखना है क्विक वीपीएन, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से क्विक वीपीएन को लिख देते हैं एंड सर्च कर लो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई क्विक वीपीएन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, भाई गेमिंग के लिए करते हैं, कई बार हमारी गेम ओपन नहीं होती है, बहुत सी गेम्स में हम यूज़ करते हैं, इवन फ्री फायर में भी कभी कभी कर लेते हैं, प्लस अगर तुम्हें कोई वेबसाइट विजिट करनी तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैंने कैसे इस प्रॉम्प्ट को फिक्स आउट किया है। सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँगा अगर तुम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाती है इनकी सपोर्ट टीम, ठीक है। तो मैं सपोर्ट टीम वाला भी बता दूंगा कैसे तुम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जल्दी से मैं बता देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यदि तुम्हारी क्विक वीपीएन के अंदर कोई भी अपडेट आई है छोटी मोटी तो उसको अपडेट कर लो, कई बार इसके अंदर भी ग्लिचेस आ जाते हैं। अब तुम्हें बताना चाहूँगा मेन रीज़न कैसे सॉल्व आउट होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तुम बैक करो, बैक करने के बाद तुम्हें जाना है यहाँ पे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखनी है ऐप लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से लिखो ऐप लिस्ट एंड यहाँ से क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों तुम्हें जो यहाँ से क्विक वीपीएन को फाइंड आउट करना है। तो क्विक वीपीएन को ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं एंड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाती है इस तरीके से, यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे आने के बाद तुम्हें देखने को मिल जाती है बैटरी यूसेज, टैप ऑन दिस एंड दोस्तों यहाँ पे अगर तुम्हारी ये वाली अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटी ये अगर टर्न ऑफ है तो इसको टर्न ऑन कर लो। ये से गाइस क्या होता है बैकग्राउंड में अगर तुम्हारी जो बैटरी से रिलेटेड कुछ भी इशू होगा तो भी ये टर्न ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो इसको टर्न ऑन कर लो। अब तुम्हें बताना चाहूँगा दोस्तों हो सकता है तुम्हारी जो क्विक वीपीएन है ये सही से वर्क नहीं करती है एंड इसमें तुम्हें हो सकता है कोई सर्वर के प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है इससे रिलेटेड यानी कि जो इससे मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन तुम यूज़ कर सकते हो जो कि अभी तुम्हें बताना चाहूँगा जो कि तुम जाके यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मैंने इसका जो अपडेटेड वर्जन है जो कि न्यू वाली एप्लीकेशन है ये क्विक वीपीएन बेस्ट वीपीएन फॉर यू। तो अगर इतनी सेटिंग करने के बाद तुम्हें बताना चाहूँगा हो सकता है कि क्विक वीपीएन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई हो, डेट साइड ऐसी काम नहीं कर रही, तो ऐसे में तुम कैसे इसी की तरह एक एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो जो कि सेम टू सेम इसी के जैसे फीचर मिल जाएंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, बेस्ट वीपीएन लेने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाओ इस तरीके से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करो एंड क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों इसका अपडेटेड वर्जन देने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। सर्च करो यहाँ पे एंड यहाँ पे लिख दो गूगल, ठीक है। अब तुम जैसे यहाँ पे गूगल लिख देते हो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, यहाँ पे सिंपली टैप ऑन करो एंड यहाँ पे सर्च दो गाइस, तुम्हें गूगल पे सर्च करना है इजी टिप्स। अब स्पेलिंग देख लो गाइस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है EASYTIPS, ठीक है। आप सभी स्पेलिंग देख लो गलत मत करना, यही स्पेलिंग आपको लिखनी है। अब जैसे ही लिख देते हैं आपके सामने आएगा सर्च रिजल्ट, टॉप पे एक वेबसाइट आएगी उस पर टैप ऑन करना है। अब जैसे आप सभी वहाँ पे टैप ऑन कर देंगे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट में चले जाओ कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है आपको एंड यहाँ पे लिखो बेस्ट DNS, ठीक है। इस तरीके से सर्च कर दो एंड जैसे ही लिखोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा टॉप 3 बेस्ट DNS एंड वीपीएन फॉर एंड्रॉयड, ठीक है, यानी कि DNS और वीपीएन। तो यहाँ पे टैप ऑन करो, यहीं पे लेटेस्ट वर्जन तुम्हें भाई ने जो है दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है स्क्रॉल डाउन करो, सबसे लास्ट में जाओ एंड यहाँ पे लास्ट में जाओगे तुम्हें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है अपडेट, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे नीचे चले जाओ, सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक करना है। जब ये सेकंड खत्म हो जाएगा यहाँ पे तुम्हें एक बटन देखने को मिलेगा, अगर तुम्हें यहाँ बटन देखने को नहीं मिले तो तुम्हें जो है यहाँ पे क्लिक करना है, प्लीज़ वेट के नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जाओगे यहाँ पे ऑफिशियल ऐप पे क्लिक करोगे तुम्हें जो है ये एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि क्विक वीपीएन है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों तुम्हारी जो प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी अभी के टाइम। तो ये दोस्तों सारा सोल्यूशन मैंने बता दिया, ये दोनों दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाती है
इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, इस वाले पे, ऑफिशियल वाले पे। तो तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पे इसका मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। एंड इस तरीके से तुम जो है यहाँ पे आसानी से अपनी क्विक वीपन को दोबारा से यूज़ करना शुरू कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। ईजी टिप्स जो है आपको स्पेलिंग याद रखनी है, जैसा कि इधर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इनकी सपोर्ट टीम से ऑफिशियली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जस्ट तुम्हें क्या करना है, इनकी आना है क्विक वीपन पे एंड यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुम्हें इनकी सपोर्ट टीम की ईमेल मिल जाएगी, इस पर क्लिक करो। एंड यहाँ पे जैसे ही तुम क्लिक कर देते हो यहाँ पे तुम्हें लिखना है इनको कि यहाँ पे लिख दो क्विक वीपन इज़ नॉट वर्किंग, यहाँ पे लिख दो कनेक्शन फेल प्रॉब्लम एंड सारा आपने एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दो, ठीक है, जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दो इस तरीके से। एंड जैसे तुम यहाँ पे अटैच कर दोगे स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे इसके बाद सेंड कर दो। अब जैसे सेंड कर दोगे ये इसके द्वारा भी तुम्हारी अपील सुन ली जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इवन का आप सभी इनकी ऑफिशियल टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, कुछ इस तरीके से टैप ऑन करो प्ले स्टोर पर। एंड प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों तुम्हें सर्च कर देनी है क्विक वीपीएन। अब जैसे तुम यहाँ पे क्विक वीपीएन को सर्च कर देते हो, क्विक वीपीएन को सर्च करने के बाद तुम्हें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और देखने को मिल जाती है क्विक वीपन, क्लिक करो। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाती है दोस्तों तुम्हें क्या करना है, जस्ट नीचे देखने को मिल जाती है डेवलपर कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करो। एंड यहाँ से भी तुम्हें इनकी जो है कॉन्टैक्ट करने के लिए मेल मिल जाती है। अब तुम्हें यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर इनको तुम्हें जो है अच्छी तरीके से बता देना है मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कनेक्शन फेल प्रॉब्लम आ रही है, उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। जी हाँ, उसका स्क्रीन शॉट भी ले लेना है। तो यहाँ पर लिख दो क्विक वीपन कनेक्शन फेल प्रॉब्लम, पूरा एक्सप्लेन कर दो कि कनेक्शन जो है फेल प्रॉब्लम आ रही है और नॉट वर्किंग, पूरा सब कुछ लिख देना अच्छे से, बेसिक इंग्लिश लिख दो चल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पे उसका जो है स्क्रीनशॉट अटैच कर देना जो तुम्हें मैंने बताया है, जो कनेक्शन फेल्ड वाला आता है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम गैलरी में रख लेना एंड यहाँ पे अटैच करके उसके बाद दोस्तों तुम इनको शेयर कर दो, सेंड कर दो, ठीक है। तो ये है तरीका, मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। इस तुम्हें जो मैंने बताया इजी टिप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके तुम वहाँ से इसका अपडेट कर लो, तुम्हें काफ़ी अच्छी जो है वीपन मिल जाएगी, प्लस तुम यहाँ से इनकी सपोर्ट टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है।